हर घर तिरंगा। आपने थाली बजाने को कहा, हमने थाली बजाया। आपने दीप जलाने को कहा, हमने दीप जलाया। आज आप सोशल मीडिया प्रोफाइल पे तिरंगे की पिक्चर लगाने के लिए कहा, आज तमाम देश की युवा जन तिरंगा अपने प्रोफाइल पे लगाया। आपने हर घर तिरंगा फहराने का मुहिम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। सभी देशवासी आज से ही अपने घरों पे तिरंगा लहराने का काम शुरू कर दिया। बस मोदी जी आपसे हाथ जोड़ करके एक विनती है, और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए मिनिस्टरों से विनती है मेरा, कि आपने जिस प्रकार से बच्चों के पीने वाले दूध पर इतनी ज़्यादा जीएसटी लगाया है, लंगड़ों में मुफ्त खिलाने वाले राशनों के ऊपर इतना ज़्यादा जीएसटी लगाया है, आपसे विनती है कि इस सारे चीज़ों में एक बार संशोधन जरूर कीजिए। गरीबों के घर में जलने वाली रसोई के ऊपर आपने जिस प्रकार से जीएसटी लगाई है, और तमाम उसकी वजह से जो है जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ती चली जा रही है, जबकि एलपीजी गैस का जो प्रति बॉयलर रेट है विदेशों में वह सबसे कम है, लेकिन हिंदुस्तान में एलपीजी गैस आसमान छू रहा है। जिस प्रकार से आपने एक मुहिम लाया कि हर घर और हर मजदूर और हर उन माताओं को हम गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, और आपने दिया भी, इसका हम लोग सभी प्रशंसा करते हैं आपका, लेकिन गैस मुफ्त में देने के बाद आज आप सिलेंडर का इतना ज्यादा दाम कर दिए हैं जिससे तमाम गरीब लोग मर रहे हैं, और कोई भी गैस तो है लेकिन गैस भरवा करके खाना लोग नहीं बना रहे हैं। बस मोदी जी एक बार इस पर विचार जरूर कीजिए कि क्या इसी दिन के लिए केवल अपने नाम और शोहरत को बिटोरने के लिए आपने फ्री गैस का बंदोबस्त लोगों के बीच में ला करके किया और लोगों को दिया। क्या सिलेंडर केवल ले लेने मात्र से ही घर में रसोई थोड़ी चलती है, उसमें गैस भी होनी चाहिए, लेकिन उस गैस का रेट जिस प्रकार से आपने बढ़ाया वह सबसे ज्यादा चिंताजनक चीज है। हम सभी लोगों को एक सौभाग्य की चीज है कि हमें हर घर तिरंगे फहराने का एक अवसर मिल रहा है, और हमारे सोच के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि हमें, हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है, फर्स्ट नेशन होनी चाहिए हमारे लिए। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि हर घर तिरंगा ही नहीं, बल्कि यह तिरंगा 12 मास यानी कि 12 महीना लगी होनी चाहिए हमारे घरों के ऊपर, तो यह अति जो है सुंदर और शोभनीय कार्य होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तथा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी, देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। जय हिंद।